अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हैरत अंगेज जानवर लेकर आया हूँ जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी देखा हो। यूट्यूब पर तो मैंने सर्च किया लेकिन मुझे इसका कोई एग्जैक्टली नाम मिला नहीं है। वैसे नॉर्मली तो हम इसे चिपकली कहते हैं लेकिन देखने में तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये कि खतरनाक भी हो सकती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ ये है कहाँ से, आई कहाँ से, मिली कहाँ से, और इसके बारे में और भी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, देखने में कितनी खूबसूरत है। इसकी दुम देखें रेड कलर की है, और अभी वैसे तो मैंने इसको ग्लव्स के साथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, और चेहरा तो बिल्कुल इसका ऐसा है जैसे कोबरा साफ हो। तो अब इसका क्या नाम है एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, मैं क्या कहूँगा कि क्या चीज़ें और खतरनाक है या नहीं ये भी कुछ कह नहीं सकता। तो आगे सर, तो ये कि आप देखें, अगर आपको इसका नाम मालूम है, इसके बारे में कुछ मालूम है तो आप मुझे बताएं। जी दोस्तों, तो ये है वो चिपकली जो देखने में तो बड़ी खूबसूरत है, और इसकी दुम भी बहुत बड़ी है, रेड कलर की इसकी दुम है, और बाहर अगर इसको करीब से देखें तो इसका मुंह तो इसका है जैसे कोई सांप या मगरमच्छ का मुंह हो। और आप भी देख सकते हो कि इसका एग्जैक्टली नाम क्या है, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। नॉर्मली तो चिपकली है, कहते हैं कि चिपकली खतरनाक होती है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खतरनाक बिल्कुल नहीं होती, और इसके लिए अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही हथियार है, अगर इसको कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो ये झटके से अपनी दुम को तोड़ देती है, और बजाय दुम जो है वो एक तड़पने लगती है और हमारा ध्यान दुम की तरफ होता है, और ये खुद जो है जल्दी से भाग जाती है। तो ये है कि कुछ दिनों बाद इसकी दुम दोबारा भी आ जाती है, सुनने में यही आया है। नॉर्मली तो हमने यही सुना है कि ये बहुत खतरनाक है, अगर हमारे खाने पीने की चीज़ों में गिर जाए और उसके बाद अगर हम वो चीज़ पी लें या कुछ खा लें तो कहते हैं कि उससे मोटी वाकई हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बाहर जहरीली होती तो नहीं है, लेकिन इससे सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ फूड पॉइजन हो सकता है उसके खाने से। अगर आपका स्टमक मजबूत है तो वैसे तो आप पर कोई असर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका स्टमक मजबूत नहीं है तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको मोशन हो सकते हैं, तो इसके अलावा ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये क्या चीज़ है, इसके क्या नुकसान हैं खाने से, खाने में गिर जाए या पीने की चीज़ में गिर जाए, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखें ये बाजार तो बड़ी खूबसूरत है, देख रहे हैं आप किस तरीके से ये जो है ना चल रही है, इसकी चमक देखें, इसकी क्वालिटी देखें, ठीक है, इसकी दुम देखें कितनी बेहतरीन है, कितनी ज़बरदस्त चमक रही है। मैं तो इसको भी कोशिश करूँ कि हाथ में पकड़ूँ, लेकिन ये मुझे डर ही है कि ये भाग जाएगी जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मली तो हमारे घरों में ये कभी नज़र आई नहीं है, तो आज इत्तेफाक से बच्चों को दिखाई दिए तो बच्चों ने इसे बॉक्स में बंद कर दिया, तो इसलिए मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख सको, हो सकता है कि आप लोगों ने भी अपने घरों में देखी हो, ठीक है। तो चिपकली एक ऐसा जानवर है जो शुरू से ही इंसानों के साथ रहे, बाहर तो पहले जंगलों में था, लेकिन जब से ये इंसान आए इस दुनिया में इन्होंने घर बनाने शुरू किए, और रोशनी के ख़ास ताल्लुक इससे, क्योंकि जब इसको खुराक चाहिए होती है और रात के अंधेरे में जब हम लोग कुछ लाइटें ऑन करते हैं और फिर जब ये अंधेरे में बाहर निकलती हैं तो इनको खुराक बआसानी मिल जाती है बगैर किसी के डराने के, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये चीज़ देखने को मिले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।